गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो? क्या हाल है अशोक जी? बस आपकी दुआएं हैं सर, बढ़िया। बाकी कहाँ बारिश हो रही है क्या वहां जयपुर में? अच्छा, सर, बारिश आते चेहरा दिखा देते हो, भाग जाते, फिर अब रुकती नहीं हमारे तो है शुरू हो गई हल्की हल्की। रुकती नहीं है सर, पता नहीं क्या चक्कर हो गया, बस वो मिस कॉल मार रही बार बार बस क्या है आज का, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? पार्टिसिपेंट एक्सपेक्टेड, अच्छे नंबर है, कॉलिंग चल रही कंटिन्यूअसली इन्वेस्टर्स पे, अच्छा, व्हाट्सएप जा रहे हैं, टेलीकॉलिंग हो रही है, फेसबुक पे चल रहा है, ओके। और दबा के लीड्स भी आती हैं, आपकी वीडियो पे भी लीड्स आती हैं, मैं देता रहता हूँ आपको ना। रोहित सर आ गए। हाँ भाई, क्या हो रहा है? भाजी न्यू कैबिन नहीं सर, म्यूट। कैसे सर? दूसरा होएगा एक शोर शोर मचाता वो सर, गया वो है। कनेक्ट अच्छा, करो दोनों, पहले कनेक्ट करो। ऑन करी कुछ करता हूँ ये ना, ए क्या है? आ जाओ सुन ले लो। YouTube म्यूजिक पेयर नहीं वो ये तो पहले तो उसी की तो और क्या है? दिनेश, मेरा फोन तो लाइव रहेगा नाम तो होगा ना कुछ है? शिखा पाठक, ये तो डेल नहीं। है, नहीं ये दूसरा है। वो सैमसंग ना किया था? अच्छा, नाम HBS 730 होएगा सर, HBS 730 रिफ्रेश करो। इन्हें रिमूव कर दिए ना एक बारी। हाँ, जेड नहीं तुसी यूज करने, HBS 730 HBS रिफ्रेश में होएगा। get more लैपटॉप शेड हो गया। गैलेक्सी A70। क्या मोबाइल तेरी समान आई जाता है? खोलते से ऑन ते करना, डिस्कवरी सर ऑन है क्या? नहीं सर है क्या? ऑन ऑन है सर, मैं ऑन कर देता है क्या? ये तो नहीं, ये लॉफ्ट का थ्री होएगा। एक राजेश का भी था ना वो हेडफोन, ये लग रहा है ना। हेलो जी। हाँ दिखाओ, मैं कर रहा बिल्कुल दुर्गेश जी, अंदर हूँ। पानी दे के आओ सांप को। राजेश सर,
हेलो हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही है सर, और आवाज आ रही है भाई। सर फेस पूरा नहीं आ रहा, सर फेस पूरा नहीं आ रहा। और रोहित सर, भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर, ये आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, फेस नहीं आ रहा आपका, उसको कैमरा ठीक करो, कैमरा सर फेस पूरा नहीं आ रहा। तो भाई साहब वो तो ठीक है, मैं सिर्फ आवाज चेक कर रहा हूँ, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है बिल्कुल आ रही है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। फोटो इधर से ठीक है, एंगल ये करें, लाइट अच्छी है, हाँ यहाँ पे सही है सर। हंसना नहीं अशोक, देख यहीं से गोली चल जाएगी, पथराव कर मार दो सर, आपकी गोली तो सीने पर लेने को तैयार बैठे हम। बड़े बड़े माई हुए हैं। आ गया स्क्रीन, स्क्रीन आया, आ गया आ गया आ गया सर। फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा? फुल स्क्रीन आ गया, आ गया, डन, परफेक्ट है सर, ठीक है। अच्छा मुरली भाई, आज अपने साथ ना शंकर और सौरभ भी ज्वाइन कर रहे हैं, दे विल बी लिसनर बट दे वो पार्टिसिपेट्स सुनेंगे, बट अगर अनाउंस करना चाहो नाम तो अनाउंस कर सकते। ठीक है ठीक है, हेलो 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 हेलो, यस सर, कनेक्टेड पूरा है, सिक्योरिटी 5 पार्टिसिपेंट हैं, शंकर तो जुड़ा हुआ है, सौरभ नहीं दिख रहा है वो भी अभी, सौरभ हर्ष जी, हर्ष जी ठीक है, अम्यूट करना अपना, अम्यूट मत करना सर, सुनना। एक मिनट मैं एनर्जी एंड फायर में वापस आ जाऊं, एक बार आ जाएगी, छोड़ो दो मिनट में, ठीक है आप लोग तो ये बात करो, एक बार मैं दो मिनट जरा एकदम दिमाग फ्रेम करता हूँ, है ना? कुछ बोलेगा तो अभी जवाब दे देना, मैं एक बार हो गया था बस, उसको पानी लाने में बोला, देखो पानी भी दी गया।
ओके रोहित सर, मैं स्टार्ट कर दूं एडमिट, है ना? रोहित सर, रोहित सर कैन यू हियर मी? मैंने कहा 15 मिनट है अभी, 20 मिनट है रादर। ओके ओके, बहुत जल्दी एंटर करोगे भाग जाएंगे आपके पास लोग ज्यादा, इतना पार्टी से 6 तो हैं, एक दो एंटर कर रहे हैं अभी, अभी मत करो एंट्री। ओके ओके ठीक, 5 तो हम ही हैं, एक बाहर खड़ा है बस खाली। बाहर कितने हैं, वेटिंग में कितने हैं? वेटिंग में कितने? वेटिंग में तो कोई नहीं है। ये कौन है? 385B05C7। सौरभ होगा, सौरभ। सौरभ एक बार अनम्यूट करना है इसका। सौरभ अगर सुन रहे हो तो आप जरा अपना कैमरा ऑन करो। सौरभ, सौरभ। यस सर। ये 385B057C7 ये आप ही हो गया? यस सर, यस सर। वीडियो खोलो। ये कोई आयोज जाने इन मत करना अभी, अशोक जी इन नहीं करना। नहीं करा, नहीं करा। ये हाथ लोवर करो। वीडियो ऑन नहीं हो रहा क्या? हाँ सौरभ जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। राइट, ठीक है, ठीक है, बंद कर लो। बंद कर ले सर। हाँ ठीक है, 4 बजे करने को दिक्कत नहीं। हाँ बोल दो। ठीक है, ठीक है। हाँ बोल रहे हैं ना? हाँ ठीक है। ठीक है, गुड टू गो। अब आप एडमिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके सर, वीडियो ऑफ कर लेते हैं अपन, है ना? राइट, मैं भी कर ले। ओके मिस्टर प्रवीण एंड मिस्टर नरेंद्र, प्लीज अपने कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दिए चैट बॉक्स के अंदर। आपके कॉन्टेक्ट नंबर आए नहीं है, मिस्टर प्रवीण एंड मिस्टर नरेंद्र। थैंक यू। Dear participants, welcome to Franchise Apply Live Webinar session. Dear participants, we are going to start our webinar in next 15 minutes sharp. हम sharp 4 बजे अपना webinar start करेंगे।
एंड आई रिक्वेस्टेड यू ऑल प्लीज ड्रॉप योर नेम योर कॉन्टेक्ट नंबर विथ मेल आई डी थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स. Welcome to Franchise Apply Live Webinar Session. Dear participants, we are going to start our webinar in next 10 minutes. Please stay with us. Thanks to all.
Dear participants, welcome to Franchise Apply Live webinar session. We are going to start our webinar in next 6 minutes. Please stay with us. Dear participants, हम अपना webinar शायद next 6 minutes में start कर रहे हैं. Thank you. Okay, our dear participants, we are going to start our webinar in next 5 minutes, and request to you, please on your audio. And Mr. Yaksh, please अपना contact number chat box में drop कर दीजिए. Welcome to Franchise Apply Live webinar session. Dear participants, we are going to start our webinar in next 5 minutes. Please stay with us. आज हम आपके सामने आज India's well-known and growing brand Energy and Fire की franchise opportunity लेकर आए हैं.
ओह मैसेज Dear participants, we are going to start our webinar in next 2 minutes. Please stay with us. Thanks to all. Okay, Vivek sir, Gaurav sir. Yeah, I. Rohit sir. Rohit sir, can you hear me? Yes, I got disconnected. Now I'm connected. Okay, sir. Hold on. In next 1 minute. Do let us know when to start. So should we start? Yes, we can. Yeah. Good evening, dear participants. Welcome to Franchise Apply Live Webinar Session. Dear participants, आज के next franchise webinar series में हम आपके लिए आज India's growing and well-known battery service franchise business brand Energy and Fire की franchise business opportunity लेकर आए हैं. Dear participants, Energy and Fire India का एक well-known and growing battery service franchise brand है और brand ने pan India 125 plus franchise within a short period successfully open कर ली है और Energy and Fire brand का next 1 year का franchise expansion plan target 300 plus franchise का है. Then now I would like introduce to you Mr. Rohit, CSMO Energy and Fire, and Mr. Gaurav, CEO of Energy and Fire. A warm welcome to Mr. Rohit ji and Mr. Mr. Gaurav ji in Franchise Apply Live Webinar Session. Welcome to you, sir, Gaurav sir and Rohit sir. Thank you, Ashok. Mr. Rohit and Mr. Gaurav will explain you about brand franchise success journey and this golden business opportunity. So now, Mr. Rohit ji, over to you, sir. Thank you. Thank you so much. A warm welcome to all the participants from Energy and Fire team. Good evening to all. And thank you, Franchise Apply, for conducting such a lovely webinar for us. Where to start from? Thank you, Gaurav ji, for here. And we have got two more our colleagues from Energy and Fire, Mr. Shankar Sinha and Saurav here with us, who would assist in some question answer session whenever is needed. Good evening once again, and I welcome all. To start with, the Energy and Fire Tech India Private Limited kya hai? उसको लेके जाएंगे. उसके बाद हम ये समझेंगे कि ये जो वेबिनार है और उसको साथ में जो हम फ्रेंचाइजी आप लोगों को एक ऑफर कर रहे हैं वो क्या चीज़ है. उससे पहले मेरे कई सवाल मेरे अपने खुद के दिमाग में घूमते हैं और मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आज की डेट में इस कोविड के और कोरोना से हम सब संक्रमित हुए हैं, प्रॉब्लम है एक, उसमें कोई नया बिजनेस शुरू करना एक बहुत बड़ी बात है. और अगर हम कोई नया बिजनेस शुरू भी करते हैं तो हमको किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहिए जिसमें हम किसी कंज्यूमर का या किसी कस्टमर का खर्चा बढ़ाने की बात करें, उस तरह का बिजनेस शुरू करें. फॉर एग्जांपल, एक
अच्छा सा डायमंड का शोरूम या गारमेंट का शोरूम, या आप मान लें एक स्टोर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मिलते हैं, या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें एक्चुअली खर्चा आप बढ़ाते हो, शायद हम एक अलग ही फ्रेंच मतलब अकेले होंगे हिंदुस्तान में जो हम फ्रेंचाइज हम लोग जो ढूंढ रहे हैं, और जो बिजनेस हमारा है वो कंज्यूमर का खर्चा घटाने की बात कर रहे हैं, हम कंज्यूमर के खर्चे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट बहुत गौरव जी आई एम ऑडिबल या यू आर ऑडिबल आई थिंक सीम्स सम इंटरनेट कनेक्शन एट योर एंड नाउ इट इज गुड हां आई वुड लाइक यू टू टेक इट ऑन बिकॉज़ आई थिंक आई हैव सम नेटवर्क इशू सीवियर हियर नो वरीज सो जाओ जैसे रोहित जी बता रहे थे कि हम शायद एक इकलौती कंपनी है जो कि इस फ्रेंचाइज मॉडल पे काम कर रहे हैं जिसमें कि एंड यूजर का जो पैसा है वो बचता है वो कैसे बचता है वी विल टेक यू थ्रू दिस प्रेजेंटेशन And after the presentation, we'll have a question answer session where you can ask whatever questions are coming to your mind. So we'll start with this presentation. So our company name is Energy and Fire Tech India Private Limited, and we are based out of Gurgaon, Haryana. Can you go to the first slide, Rohit ji? Yeah, so what is this business? हमारा business है क्या? क्या काम करते हैं हम लोग? So this business is about 70,000 crore in the last financial year in India, and this 70,000 crore is growing each year. ये वो business है जिसका market size India में पिछले साल 70,000 crore का था, और ये number हर साल बढ़ रहा है. Next slide, please. Why 70,000 crore doesn't sound true? क्या ये 70,000 करोड़ आपको सच नहीं लगता? Think, can you relate any person living without a battery? If not, don't you feel that this is the right business to do? क्या कोई इंसान आज के दिन में चाहे घर पे या ऑटोमोबाइल में अपनी गाड़ी में या अपने वर्क जहां वो काम कर रहे हैं या अपने फैक्ट्री में क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो पर्सन बैटरी यूज नहीं करता? आई एम श्योर ऑल ऑफ अस आर यूजिंग बैटरीज, वी जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट दीज एट द मोमेंट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो समथिंग अबाउट अस, सो वी आर अ 6-year-old कंपनी बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव and have an existing franchise base of about 125 all across the country, and this number is also growing. Over 200 trained manpower to support sales and service across the country. We have serviced about 1,000 clients in last 6 years, and more than 5 lakh batteries have been revived either by us or through our franchisee network. And this franchisee network of 125 franchisees, this number is also growing, you know, month on month on. With existing contracts of government, PSUs, top corporates like Bharti, Ultratech, MTNL, Nokia, etc. So we have central contracts also signed with all these big corporates and some government sector organizations and PSUs. Now something about the people. Who are the people who are running this group? So the group is run by professionals who have led top corporates like Videocon, LG, Airtel, DTH, Nestle, yebi.com. यानी कि ये जो लोग जो एक हमारा ग्रुप है ये एक प्रोफेशनल्स का ग्रुप है, एंड टॉप कंपनीज के टॉप लेवल पे काम करने के बाद वो लोगों ने ये कंपनी को बनाया है, एंड दे आर द पीपल हु आर ड्राइविंग दिस ग्रुप. Now our growth over the years from 6 franchisees in 2015 mein 6 franchisees when we started in 2014 to 2015 we started making franchisee from 6 franchisees in 2015 to 125 franchisees in 2020 the growth has been wonderful and this franchise network is growing day by day.
सो व्हाट चेंज डू वी ऑफर, ऐसा क्या है इस बिजनेस में जो कि इंटरेस्टिंग भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बचाता है लोगों का, जैसे रोहित जी ने बताया था कि ये ऐसा बिजनेस है जो कि एंड कस्टमर का पैसा बचाता है. सो वी ऑफर इंडिविजुअल कस्टमर टू सेव ओवर 80% ऑन हिज एक्सपेंडिचर ऑन बैटरी परचेज, यानी कि जो नई बैटरी खरीदता है उस पे 80% का जो एक्सपेंडिचर है उसको हम बचाते हैं. सो हिज स्पेंड ऑन बैटरीज इज ओनली 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ न्यू बैटरी. सिमिलर ऑफर इज टू कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज दे यूज बैटरीज इन बल्क. इंडिविजुअल कस्टमर तो चाहे उसकी गाड़ी की बैटरी है या उसने अपने ऑफिस की यूपीएस की एक या दो बैटरी लगाई हो या उसके घर पे इन्वर्टर की बैटरी है, बट व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ये लोग बहुत ज्यादा तादाद में बैटरीज यूज करते हैं. तो आप सोचिए कि अगर हम इनका 80% पैसा बैटरी के स्पेंड पे बचाते हैं तो कितना ज्यादा केपेक्स की सेविंग होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की सेविंग होती है. वी ऑल्सो मेक देम हैसल फ्री टू मेंटेन द बैटरीज. नाउ ऑल दीज बिग कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सिंस दे यूज लॉट ऑफ बैटरीज, दे यूज बैटरीज इन बल्क, तो उनका बैटरीज को मेंटेन करने का भी खर्चा बहुत ज्यादा है. सो वो खर्चा भी उनका बचता है जब वो हमसे एएमसी या बैटरी रिवाइव करवाते हैं. We offer our customer the battery service centers on which we monopolize. Now, when we talk about these franchisees, 125+ franchisees, we call them battery service clinics. इस business में हम monopolize करते हैं और ऐसा कोई battery service clinic और किसी company के द्वारा इस देश में नहीं चल रहा है. So there is no competition when it comes to opening a battery service clinic. We are the only company जो कि ये battery service clinics खोल रही है. Have we heard of a battery revival? हमने क्या सुना है कि कोई बैटरी कभी रिवाइव हो सकती है? In India, we repair everything except what comes from China. अब आज अगर आपके घर पे टेलीविजन है या ओवन है या माइक्रोवेव है, इन केस फॉर वट एवर रीजन इफ इट गोज बैड, खराब हो जाता है, तो आपको पता है कि उसका सर्विस सेंटर कहाँ है, उसको कहाँ लेके जाना है. पर अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है, where do you think we can take the battery? अगर वो वारंटी में है तो मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक दैट बैटरी टू अ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर एंड इन केस दिस बैटरी इज इन वारंटी तो वो रिप्लेस कर देगा. बट अगर वो वारंटी के बाहर हो गई है और वो खराब हो गई है या उसका बैकअप कम हो गया है, देन व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू टेक दिस बैटरी? एम आई राइट? टू एड वन मोर थिंग इन टू दिस, कि क्या होता है कि आपकी बैटरी जो है वो खराब हो गई, आप लेके गए दुकान वाले के पास, दुकान वाला क्या कहता है, कहता है कि भाई साहब ऐसा है ये बैटरी तो खत्म हो गई है, आप एक काम करो आप ये बैटरी जो है यहाँ पे मेरे को दे दो, मैं उसके पैसे थोड़े से काट देता हूँ 1500 रुपए और बाकी नई बैटरी ले लो. ऐसा क्यों है? ऐसी कौन सी चीज है जो रिपेयर नहीं हो सकती? ऐसा कौन सी चीज है जिसको सर्विस अपन नहीं कर सकते? ये एक कार्टल है. ये कार्टल नहीं चाहता कि कोई भी चीज हम सर्विस इस वाले बैटरी सेक्टर में दे दें क्योंकि उनकी सेल मरती है. और आप ये समझिए ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एक कि अगर आप घर से बाहर निकले हो कोई चीज लेने के लिए, सपोज करो आप कोई एक इंपॉर्टेंट चीज लेने के लिए 5000 रुपए जेब में डाल के निकले खरीदने के लिए, रास्ते में क्या हुआ जी आपकी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास वो अकेले 5000 रुपए, तो आप क्या करोगे? पहला क्या खरीदोगे? आप खरीदोगे वो बैटरी, क्योंकि उस बैटरी के बगैर आपकी लाइफ एकदम स्टैग्नेंट में आ जाती है, स्टैंड स्टिल में आ जाती है. तो हम अगर इसकी प्रॉब्लम को, और यही आपके पास ऑप्शन हो जो आपके जेब में 5000 रुपए हो और आप 1000 रुपए दे करके आपकी वो बैटरी की प्रॉब्लम सॉल्व होती हो, तो आप क्या करोगे? करेक्ट. जो आप सोच रहे हो जो आप करोगे वही बिजनेस में हम हैं एक्चुअली. और एक्चुअली बैटरीज एक ऐसा कंपोनेंट है हमारी जिंदगी का जिसको अगर वो खराब हो जाता है किसी कारणवश, उसको हम डिले कर नहीं सकते. वी वांट टू रिप्लेस इट इमीडिएटली, वेदर इट इज योर इन्वर्टर बैटरी और योर कार बैटरी. नाउ थिंक, हैव यू एवर सीन और हर्ड ऑफ अ बैटरी बिजनेस क्लोजिंग डाउन? नाउ बैटरी के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है आज की डेट में या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, क्या आपने कभी किसी कंपनी के बारे में सोचा है कि ये बिजनेस उन्होंने बंद कर दिया? चाहे वो एक्साइड हो, एमरॉन हो, यू नो लिवगार्ड हो, लुमिनस हो, श्नाइडर हो, ये कंपनीज जितनी बैटरीज पिछले साल बनाती थी शायद आज इस साल उससे ज्यादा बना रही है. बट
आपने कभी सुना है कि ये कंपनीज बंद हो गई? बिकॉज जितना इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमारा डिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है उतना बैटरीज पे भी बढ़ता जा रहा है. सो सेल ऑफ बैटरीज इज ग्रोइंग एवरी ईयर. सो दैट इज वेयर वी अर्लियर व्हेन आई सेड अर्लियर दैट दिस 70,000 करोर मार्केट इज ग्रोइंग ईच ईयर इज फॉर द सिंपल रीजन दैट अवर डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो ग्रोइंग. सो यू आर इन अ बिजनेस वेबिनार ऑन विच वी विल स्पीक अबाउट अर्निंग बाय सेविंग मनी ऑफ इंडिविजुअल गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स. So, आप एक ऐसे वेबिनार में हो जहां पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो दूसरों का पैसा बचाते हुए, चाहे वो गवर्नमेंट इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है या कॉर्पोरेट है. एंड एट द सेम टाइम आप पोल्यूशन या इन्वायरमेंट पे जो लेड एसिड बैटरीज का पोल्यूशन फैलता है उसको भी कम कर रहे हो. सो देयर इज एन एनवायरमेंट एंगल टू दिस बिजनेस एज वेल. सो द बिजनेस मॉडल, हम क्या क्या चीजें, क्या 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 सर्विसेज इंडिविजुअल को या गवर्नमेंट को या कॉर्पोरेट को दे सकते हैं. सो हम लोग उनको एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे सकते हैं जहां पे हम उनकी जितनी भी बैटरीज हैं जब वो वारंटी से बाहर हो जाती हैं तो उनको AMC कॉन्ट्रैक्ट में कवर कर लेते हैं बाय चार्जिंग अ सर्टन प्रीमियम. नाउ दिस कंपनी, आवर कंपनी एनर्जी एंड फायर, हैज ऑल्सो developed an extended warranty card. Now, what is extended warranty card? Extended warranty card का मतलब ये है कि अगर आपने आज एक साइड का बैटरी खरीदा जिसका 2 साल का वारंटी है, 2 साल के बाद एनर्जी एंड फायर का एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड आप खरीद सकते हैं जो कि 3rd साल में अगर वो बैटरी खराब होती है या फेल होती है, either we will repair it or we will replace it. So this service is also been given by us. Now the third, which is the the main core business, which is battery rejuvenation or battery revival. So those batteries, जिन्होंने 3-3.5 साल काम कर लिया है और उनका बैकअप जो है आज 15 या 20 मिनट का रह गया है, उन बैटरीज को आप रिजुविनेट करके वापस कस्टमर को या एंड यूजर को दे सकते हैं. Then battery exchange model, आप पुरानी बैटरीज लेके, बैटरीज स्क्रैप की लेके रिवाइव करके उनको वापस दे सकते हैं. So exchange model is also there. Refurbished battery sale, scrap की batteries लेके उनको revive करके as refurbished battery with 1 year warranty भी आप end customer को बेच सकते हैं. Battery rentals का भी काम कर सकते हैं, अगर आपने battery revive करके रखी हुई है तो आप उनको rent out भी कर सकते हैं. Then when we train you as a franchisee, तो आपको हम इस level तक की training देते हैं कि बड़े बड़े corporates के battery health check audit भी आप कर सकें. जैसे कि एक एग्जाम्पल कोट करते हैं किसी कंपनी का, एक एक्स कंपनी है जहाँ पे 100 बैटरी लगी हुई है बट वो बैटरीज अभी वारंटी में है, बट वो लोग उसका ऑडिट कराना चाहते हैं कि उनको ये नहीं पता कि उन 100 बैटरीज में से आज किन 10 या किन 15 बैटरीज का बैकअप नीचे चला गया. सो आप उन बैटरीज को चेक करके उनको एक हेल्थ चेक ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं. दिस इज अनदर सर्विस विच अवर फ्रेंचाइजीज दे आर डूइंग. चार्जिंग एंड बूस्ट चार्जिंग कर सकते हैं, जो बैटरीज सिर्फ डिस्चार्ज हो गई है तो इस मशीन के द्वारा आप उन बैटरीज को चार्ज या बूस्ट चार्ज भी कर सकते हैं. सो दीज आर द सर्विसेज विच वंस यू बिकम अ फ्रेंचाइजी यू कैन एक्सटेंड टू एंड कस्टमर, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और योर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वी हैव मेड दिस चार्ट जस्ट टू गिव यू अ लिटिल आइडिया कि हम लोगों का और कस्टमर का सेविंग क्या है, केपेक्स को कैसे डिफर कर सकते हैं. सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल विच इज 150Ah टॉल ट्यूबलर बैटरी, दिस इज एन इन्वर्टर बैटरी जो कि एवरेज कॉस्ट 15,000 रुपए की है. अगर आप एक्साइड या एमरोन के देखें तो एवरेज कॉस्ट इतना ही आता है. और इस बैटरी का एवरेज लाइफ जो है, 2 साल का वारंटी का बैटरी है और एवरेज लाइफ जो है इसका करीब 3 साल होता है. सो कॉस्ट पर ईयर आ जाता है 5,000 रुपीज. नाउ टू रिजुविनेट और रिवाइव दिस बैटरी, what we charge or what our franchisee charges is 2,250 rupees. और एक साल की हम वारंटी देते हैं, ये बैटरी रिवाइव होने के बाद 18 महीने से 24 महीने चलती है, एक साल की लेकिन हम वारंटी देते हैं. सो इफेक्टिव सेविंग पर ईयर इज 2,750 rupees. सो नाउ यू सी कि अगर एक इंडिविजुअल का एक साल में 2,750 रुपए का फायदा हो रहा है एक बैटरी पे, तो कॉर्पोरेट को कितना बड़ा फायदा है अगर वो बैटरीज रिवाइव करा के हमसे ज्यादा से ज्यादा चलाएं. और आज आप ये सब जानते हैं कि आज बिकॉज ऑफ कोविड एंड मल्टीपल अदर रीजन रिसेशन मार्केट में आ गया. सो हर कोई ये चाहता है जो बल्क यूजर है बैटरी का कि उनकी बैटरी ज्यादा से ज्यादा चले ताकि उनका जो केपेक्स है वो डेफर हो जाए, उनको नई बैटरी की खरीद पे पैसा ना खर्चना पड़े. सेम इज द एग्जाम्पल, इट्स अ रिपीटिशन, इट्स अ 300Ah 48V 2V सेल. जो ऊपर जो बैटरी है वो 12V की है, नीचे 2V का सेल है, सेम कंपेरिजन.
सो अगर हम 2 वोल्ट की बैटरी की बात करें सो 24 सेल्स का एक बैटरी बैंक बनता है 48 वोल्ट का. सो एवरेज कॉस्ट ऑफ दिस बैटरी बैंक इज अबाउट 1,44,000. 3 साल की इसकी भी एवरेज लाइफ है. कॉस्ट पर ईयर इज 48,000. रिजुविनेशन कॉस्ट इज 36,000 एंड इफेक्टिव सेविंग पर ईयर इज अबाउट 24,000. नाउ दीज आर द बैटरी बैंक्स विच आर यूज्ड इन टेलीकॉम सेक्टर, पावर सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज. सो यू कैन वेल इमेजिन कि अगर 24,000 रुपया एक बैंक पे उनका बच रहा है एक साल में, तो जितने बैंक्स हैं उस पर कितनी बड़ी सेविंग है. Karan raised his hand. I think Karan, we will take your question in the question answer round, please. Let us go through the presentation first. So who are our customers? हमारे customers कौन हैं? Think and tell me who is not using a battery. कोई आदमी ऐसा है जो battery use नहीं कर रहा? Government, yes. Corporate, yes. Individual battery user, yes. आज की date में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ पे battery ना लगी हो, या कोई office ऐसा हो जहाँ पे battery ना use हो रही हो, या कोई इंडस्ट्री जहाँ प्रिसीजन मशीनरी यूज होती है वहां यूपीएस ना लगाओ, और जहां यूपीएस लगा होता है वहां बैटरीज होती होती है. नाउ हाउ आर वी डिफरेंट? हमारे पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो कि इन सर्विसेज को देते हुए एंड कस्टमर का हम पैसा बचा सकते हैं? सो इन 2014 वी डेवलप्ड अ वेरी यूनिक टेक्नोलॉजी विच इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस by which we are able to revive all kinds of lead acid batteries. I want to clarify all kind of lead acid batteries. ये technology सिर्फ lead acid batteries पे ही काम करती है, lithium ion और nickel cadmium पे नहीं करती. So lead acid market size last year was 70,000 crore, और सबसे ज्यादा battery हिंदुस्तान में यही बिकती है. Lithium ion has just started, mobile phones और automobile के अलावा कहीं और नहीं use हो रही, और lead acid battery market size is big. So benefits of our technology. So ये technology के क्या benefits हैं और क्या इससे end user को या customer को फायदा होता है? Restoration of any kind of lead acid battery at the end of its useful cycle life, which means हमारी technology तब काम करती है जब वो battery का backup 5 से 10 मिनट या 15 मिनट का रह जाता है, and that's when you decide कि now we have to change this battery. As a layman, you decide that this battery has gone bad or you call it dead. But in our terminology, by using this technology, we can bring that battery's backup to 90% of our new battery. So we can, you know, by using this technology, we can revive these batteries. Recovery of, as I mentioned, recovery of almost full potential of batteries by desulfation. Now, what is sulfation? Sulfation is, there are two components to a lead acid battery. Lead acid battery ke andar ek lead ki plate hoti hai, aur niche sulfuric acid hota hai, aur VRLA के केस में जेल होता है. सो ड्यूरिंग ईच चार्ज एंड डिस्चार्ज कुछ सल्फर के पार्टिकल लेड की प्लेट पर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बैकअप नीचे आ जाता है. तो ये टेक्नोलॉजी यूज करते हुए हम बैटरीज को डीसल्फेट करते हैं और बैटरीज का लॉस जो बैकअप है वो वापस आ जाता है. प्रिवेंशन ऑफ लॉस बैकअप टाइम ऑफ एनी लेड एसिड बैटरी, जो जितने भी तरह की लेड एसिड बैटरी है, चाहे वो VRLA है, AGM है, जेल है, फ्लडेड है, सब बैटरीज हम रिवाइव कर सकते हैं. एंड इट इज अ ह्यूज कॉस्ट सेविंग for an organization and invaluable saving of environment. Why? Because when you scrap or discard a lead acid battery, it causes a lot of pollution. You know, sulfuric acid as it is, jis jagah pe ya kisi zameen pe sulfuric acid ko aap gira dijiye, wo 5 saal tak wahan pe kuch uga nahi sakte, wo banjar ho jati hai. And lead being the heaviest metal, moment it goes to the water table, it makes the water cancerous. So by scrapping lead acid batteries, we are causing a lot of pollution. So in case by using our technology, we can extend the or enhance the life of lead acid batteries. In certain way, we are helping the environment also by, you know, not causing the pollution which was to happen this year. Kyunki hum life bada rahe hain, to wo saal do saal hum pollution ko delay bhi kar dete hain. The best advantage or the advantage to defer capex and interest thereon on purchase of new batteries when the old batteries need replacement. So capex जो capital expenditure है इस साल का आपका, अगर आपके यहाँ factory में 10 या 100 battery लगी हुई है, जो आज पैसा आपने खर्चना था, अगर मैं उसको बोलता हूँ कि 2 साल के बाद आपको खर्चना पड़ेगा, तो जो आज amount आपने खर्चना था, उसको जो amount को आपने defer किया, उसका interest भी आप बचा लेते हैं. So main causes of battery failure. There are multiple causes of battery failure, but
the culprit is sulfation. 84% of these lead acid batteries, they die because of sulfation. Now there are other causes also, like incorrect charging, aging, poor maintenance, heat, mechanical failure. But the major culprit hai, wo 84% is because of sulfation. And this is not a report from Energy and Fire. This report is from CECRI Chennai. It's a government organization which have, you know, given this report that 84% of these batteries die prematurely because of sulfation. Our battery revival technology and how does it work? कैसे हम बैटरी को रिवाइव करते हैं और क्या टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज करते हुए बैटरी का जो बैकअप है वो वापस आता है. सो जो पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग. नाउ व्हाई स्क्रीनिंग इज इम्पोर्टेंट हेयर आई वुड लाइक टू मेंशन दैट ऑल काइंड ऑफ लेड एसिड बैटरीज कैन नॉट बी रिवाइव. द बैटरीज विच हैव गॉन बैड बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, टर्मिनल्स शॉर्ट सर्किट हो गए, उनके बैटरी बल्ज कर गई है, बैटरी की जो इंटरनल प्लेट्स हैं वो टूट गई हैं, वो बैटरीज रिवाइव नहीं हो सकती. सो स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो देर आर यू नो फिजिकल चेक्स विच वी परफॉर्म ऑन अ बैटरी टू आइडेंटिफाई वेदर दिस बैटरी कैन बी रिवाइव और कैन नॉट बी रिवाइव. विच मीन्स दैट इफ यू हैव 100 बैटरीज केप्ट एट अ प्लेस, यू जस्ट डोंट नीड टू यू नो पिक अप ऑल द बैटरीज. सो स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस द बैटरी पासिस अवर स्क्रीनिंग टेस्ट देन दैट बैटरी कैन बी 100% रिवाइव. After the screening test is done, then we hydrate the battery. Hydration means that जो flooded batteries हैं, अगर किसी में DM water कम है या sulfuric acid कम है तो उसको top up करा जाता है. Then rejuvenation diagnostics होता है. Rejuvenation diagnostics में हम there are certain tools. So with the machine and the chemical there are 28 tools which comes along, जिनकी वजह से हम battery के internal प्लेट्स की कंडीशन क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है बैटरी में, क्लोज सर्किट वोल्टेज क्या है, ये सब चेक करते हैं. वंस द बैटरी पासिस दिस टेस्ट आल्सो देन इट कम्स द रिजुविनेशन पार्ट व्हिच इज रिकवरी एंड चार्जिंग. एंड वंस द बैटरी इज रिवाइव्ड देन देयर इज अ फाइनल क्वालिटी चेक एंड देन द बैटरी इज हैंडेड ओवर टू द एंड कस्टमर. So there are a couple of company supports also. Once you become a franchisee, so there will be a regular technical training session. हमारे engineers, 200 engineers all over India हैं. तो आपका जहाँ franchisee आप लेंगे, तो वहाँ पे regular technical sessions होंगे. Because you know with lead acid batteries, एक side अगर आज 100 batteries produce करता है, so batteries actually behave like human beings. So वो एक lot की 100 batteries जो निकली है, वो हर battery अलग behave करेगी. So that is the reason that regular training sessions, technical training sessions are required, which we always give this kind of. Then there will be monthly engineer visits for sales. आप शुरू शुरू में जब sales के लिए जाएंगे तो हमारी support की जरूरत होगी. वो engineer जो आपके area में dedicated होगा आपको, वो आपके साथ जाएगा sales और service support के लिए. Then there is telemarketing support. So we have outsourced our telecalling. So once you become a franchisee, you will be giving us the data of your, you know, आपके जो भी इंडस्ट्रीज हैं आपके आसपास या कॉर्पोरेट्स हैं, उनका डेटा आप हमारे से शेयर करेगा, तो हम टेली मार्केटिंग करेंगे उन कॉर्पोरेट्स पे. देन देयर इज अ डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट. आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे रेगुलर पोस्ट आएंगे. दिस सपोर्ट इज ऑल्सो फ्रॉम द कंपनी. देन देयर विल बी स्टोर ब्रांडिंग. आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल ब्रांडिंग है जो स्टोर की, दैट विल बी टेकन केयर बाय द कंपनी. देन देयर आर कपल ऑफ नेशनल टाई-अप्स. Like in earlier slides, we mentioned that we are presently working with some government PSUs and some big corporates like Ultratech and you know Airtel and etc. So, जो हमारे national tie-ups हुए हैं, ये tie-ups भी जो franchisee, just for example, if Ultratech has got a plant in Pune, so that plant will be serviced by the Pune franchisee. So, these national tie-ups are also subcontracted, given as subcontracts to our franchisee. Then once you start pitching this technology to you know different corporates and government sector organizations, all these people will ask you for proof of concept. Proof of concept is किसी के पास 100 battery पड़ी है, वो एकदम से तो आपको देगा नहीं. होगा पहले मेरे को 2 battery करके दिखाइए ये technology काम करती है नहीं करती. अब इस technology में 2 component है, एक machine है Elixir और एक charger machine है और एक Elixir chemical है. सो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए जितना केमिकल आपको जरूरत होगा वो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी.
Now we'll come to the investment part. Before we come to the investment part, I'll like to give you a little insight of how this technology works. So as I mentioned in earlier slides, that there are two components to a lead acid battery. One is the lead plate and other is sulfuric acid. So what happens is that during each charge and discharge, some particles of sulfur, they keep on accumulating on the lead plate. चार्ज और डिस्चार्ज के टाइम पे कुछ सल्फर के पार्टिकल्स बैटरी की जो लेड की प्लेट है उसके ऊपर चिपक जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से जो करंट है वो पास कर नहीं पाता और बैकअप बैटरी का नीचे चले जाता है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो बैटरी है वो इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड की कितने साल वो चलने वाली है। द बैटरी इज ऑलवेज मैन्युफैक्चर्ड की कितने साइकिल वो बैटरी चलने वाली है। नाउ व्हाट इज अ साइकिल? अ साइकिल इज one full charge and one full discharge. So for, let's take an example. If we talk about a 100Ah inverter battery which comes with 2 years warranty, तो हमारे experience में हमने देखा कि 3.5-3.5 साल चलने के बाद उसका backup नीचे चला जाता है। अब अगर वो battery 1000 cycle के लिए बनी है तो 3.5 साल में उसने करीब करीब 50% cycle battery के या 55% cycles consume किए, which means जो balance 45% cycle है, यानी कि 550 cycle अगर उसने 3 साल में cover किए थे, तो जो 450 cycle बचे हुए हैं आफ्टर द बैटरी इज रिजुविनेटेड, वो सारे साइकिल्स बैटरी बैकअप भी उसका बैटरी का ऊपर आ जाएगा और वो सारे साइकिल्स भी कंज्यूम करेगी। सो व्हाट दिस टेक्नोलॉजी एक्चुअली डज इज दैट सल्फेशन हो गया है, सो ये जो एलिक्सिर केमिकल है ये वेंट प्लग्स के थ्रू बैटरी में डाला जाता है एज पर द एज कैपेसिटी। सो व्हाट दिस केमिकल डज इज दिस केमिकल इज अ बायो एडिटिव। सो व्हाट इट डज इज दैट इट ब्रेक्स द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बिटवीन लेड एंड सल्फर। जो लेड और सल्फर की मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है उसको ये लूजन कर देता है, तोड़ देता है। और जो एक्सचार्जर मशीन है ये पल्स वेव फॉर्म में करंट बैटरी की प्लेट पे डालती है, जिसकी वजह से रेजोनेंस आता है और जितना भी सल्फर बैटरी की प्लेट पे जमा होता है ये वापस सल्फ्यूरिक एसिड में आ जाता है और प्लेट बिकम्स एज गुड एज न्यू और बैकअप वापस आ जाता है। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी। बाकी हम जब ईमेल्स एक्सचेंज करेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगी इसके बारे में। नाउ आई विल कम टू द इन्वेस्टमेंट पार्ट। So this 3-in-1 machine, when I say 3-in-1, which means that it is not a normal charger, which is available in the market for 50-60,000 rupees. वो जो charger है वो खाली एक boost charging के लिए use होता है कि आपकी battery का backup नीचे आ गया, उसने 8-10 घंटे लगा के boost charge कर दिया, आप उसको लेके आ गए, लेकिन 15-20 दिन के बाद उसका backup फिर नीचे आ जाता है, because that machine cannot desulfate the battery. So इस machine के जो 3 major components हैं या जो 3 major features हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला फीचर है कि दिस मशीन इज अ ऑटोमेटेड मशीन एंड इट हैज गॉट अ डायग्नोस्टिक फीचर। व्हेन आई से डायग्नोस्टिक फीचर इट मींस दैट मोमेंट यू कनेक्ट एनी बैटरी टू इट, इट गिव्स यू ऑल द इंटरनल पैरामीटर्स विदाउट ओपनिंग और ब्रेकिंग द बैटरी। यानी कि बैटरी के अंदर की प्लेट की कंडीशन क्या है, बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज क्या है, बैटरी का में कितने परसेंट सल्फेशन हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हो ये जो डायग्नोस्टिक फीचर है इसकी स्क्रीन पे सब चीजें डिस्प्ले हो जाती है। देन देर आर बैटरीज जो कि कभी यूज ही नहीं हुई और वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे पहुंची है और वो डीप डिस्चार्ज हो गई, भाई 6-8 महीने वो बैटरीज बिकी नहीं और वो अब डीप डिस्चार्ज मोड में चली गई। सो दिस मशीन हैज गॉट अ बूस्ट चार्जिंग फीचर ऑल्सो। तो इन सारी बैटरीज को आप बूस्ट चार्ज करके वापस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स या बैटरी डीलर्स को आप दे सकते हैं या इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं। Then the third and the key feature of this machine is that it is a desulfator also. So जो sulfation battery पे हुआ होता है उसको desulfation भी कर देती है। So the cost of this machine is 5 lakh rupees. Then there are 28 tools which comes along with the machine, which is for 50,000 rupees. 2,000 rupees liter elixir chemical है, so initial kit में we give 25 liters which comes for 50,000. And there is a franchise fee of 1 lakh rupees. जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था कि कंपनी की तरफ से जो 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 सपोर्ट है उसके लिए हम ये फ्रेंचाइज फीस लेते हैं। सारा टोटल अमाउंट जो है वो 7 लाख रुपया बनता है एंड देन देयर इज जीएसटी ऑन इट। सो ऑन द अबव ऑन द मशीन द जीएसटी इज 5%, ऑन द अदर 3 components द जीएसटी इज 18%, सो द टोटल जीएसटी इज अबाउट 61,000 व्हिच इज ऑब्वियसली रिकवरेबल। जब आप बैटरीज आगे करेंगे सर्विस देंगे तो आपको वो क्रेडिट इनपुट मिल जाएगा। सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज 7 लाख एंड देन देयर इज सम एक्स्ट्रा ऑल इन्वेस्टमेंट आल्सो इन टर्म्स ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट व्हिच इज अबाउट 1 लाख रुपीज, जिसमें आपको सिंगल फेज 10 केवीए का कनेक्शन लेना पड़ता है
और रेंट पे 200 से 250 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए होगा. दिस प्लेस कैन बी इंटीरियर, जरूरी नहीं है कि आपको जहाँ रेंटल ज्यादा है वहां लेनी है ये. सो और एक सर्वो स्टेबलाइजर 15 केवी का लेना पड़ेगा. सो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज. सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज अबाउट 8 लाख रुपीज. Okay, I just want to add something on this, is on the investment side. एक second. हम लोग कई जो small scale industries वाले हैं और especially small scale industries वाले जो employability और skill development के साथ में कोई काम कर रहे हैं, we fall on that category और हम लोग MSME registered हैं. आत्मनिर्भर का जब हमारे respected प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये आत्मनिर्भर की बात करी, उस टाइम में इन्होंने कई कंपनीज में जो ऐसा कुछ प्रोडक्ट या फ्रेंचाइज या सर्विसेज देते हो जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट भी यूज होता है, उनको रिक्वेस्ट करा था कि ये कोविड के टाइम में आप कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो अभी मार्केट में करोगे जिससे एक्चुअली लोगों की लिवेबिलिटी और उनके काम आगे बढ़े. उसमें हम लोगों से उन्होंने कमिटमेंट दिया था फॉर 25 फ्रेंचाइज आप कुछ इनको आप सेल्फ इनको फंड करके या कुछ उनका फंड लगा करके कुछ ऐसा करो ताकि ये काम आगे बढ़े और लोग काम कर सके. उसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट को CGTS एमएसएमई में हम लोगों ने प्रपोजल वो भेजा यहाँ से जो उनका रिक्वेस्ट आया था कि हम मार्केट के अंदर ये कंट्रीब्यूट करेंगे. जो ये फ्रेंचाइज का टोटल कॉस्ट है 7 लाख रुपए का, उस 7 लाख रुपए को हम लोग फ्रेंचाइज जो लोग हैं उनको इवेल्युएट करेंगे. यंगस्टर हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रॉब्लम में भी है, उनको हम इसको 50% हमारी इन्वेस्टमेंट करेंगे, 50% हम उनकी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे. इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले ये ओपन हर आदमी के लिए नहीं है, उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं. वो गौरव जी से जब आगे आप बात करोगे तो वो एनालिटिकल कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, वो डॉक्यूमेंट देख करके कुछ एलिजिबिलिटी आपकी निकलेगी, कुछ आप एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, उसके बाद में अगर आप उसमें खरे उतरते हो और वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो ये जो 7 लाख की इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली एकदम आधा हो जाएगी. 3.5 लाख रुपये आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगी, 3.5 लाख रुपये कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी और साथ में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग हम लोग ऐसे डिवाइड कर रहे हैं इसमें कि 90% जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो तो आपका है, 10% ग्रॉस रेवेन्यू वो कंपनी का रहेगा. तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल हमने 15-16 के करीब ऑलरेडी शेयर्ड लास्ट 2 वेबिनार्स. गौरव जी till 7th of next month. So हमको 10 तारीख को भेजनी है ना रिपोर्ट गवर्नमेंट को. हाँ नहीं, 7 के बाद इसमें नहीं होगा. So last date is 7th, we'll send the report on 10th. Okay. ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है. अगर आप इस पे अपॉर्चुनिटी में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली गौरव जी से बात करें तो वो आगे आपको गाइड करेंगे कैसे करना है. गौरव जी. जी, so this is our team, energy and fire team, and we have about 40-odd people in our corporate office and about 200-odd people, these service engineers spread all across the country. ये कुछ clicks हैं. On the right you can see the team और left side पे कुछ हमने जो आज तक events किए हैं government sector organizations के लिए या corporates के लिए, उनके कुछ pictures हैं. You can on the left you can see the our Udyog Vihar office address, which is 513 Udyog Vihar, phase 5, Gurgaon. And for any detail you can reach us on this number, which is 9090905599. And you can also visit our website, which is www.energyandfire.com. All the details are there on the website as well. And in case you want to talk to one of our representatives, you can reach on this number. And we are open for the question answer sessions now. So over to franchise apply team. So they can announce from the Q&A session and we can take it down right now. Thank you. Thanks a lot, Rohit sir and Gaurav sir, for this wonderful business opportunity to our participants. Dear participants,
अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं, मिस्टर रोहित जी से, मिस्टर गौरव जी से बात कर सकते हैं और उस बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी इंडिया की सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ओके मिस्टर करण, हेलो जी, जी करण जी बताइए। हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आप बैटरी बता रहे हो 3 साल तक चलती है, 3 साल तक राइट, जो नई बैटरी आती है। मेरे घर पे मैंने एक बैटरी लगवाई है ल्यूमिनस की जी, वो आज करीब 6 साल हो गए उसको और वो चल रही है, और उसका कॉस्ट इन्वर्टर की बैटरी है वो कॉस्ट उसकी ऐसे ही उस टाइम पे 7-8 हजार रुपए की थी और वो आज तक चल रही है जी। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें 3-4 चीजें हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि जो आपने घर पे बैटरी लगाई थी वो 7 हजार की आई थी, तो मैं ये जान सकता हूँ कितने एज की बैटरी है वो? 8 हजार के आसपास थी। इन्वर्टर की बैटरी है सर, इन्वर्टर की बैटरी 100 एज से शुरू होती है और 200 एज तक जाती है, तो आपकी जो बैटरी है वो 100 एज की होगी। जो मैंने एग्जांपल दिया था वो 150 एज की बैटरी का दिया था, जो मैंने 15,000 रुपए बोला था। अब दूसरा जो आपका सवाल है कि वो अभी तक 6 साल से चल रही है, बैकअप कितना दे रही है? बैकअप जो है 2-3 घंटे आराम से, अगर लाइट चली आती 2-3 घंटे आराम से चलती है। अच्छा, और जब आपने बैटरी खरीदी थी ये 4-5 साल पहले, तब बैकअप कितना देती थी? तब तो बहुत ज्यादा देती थी, 5-6 घंटे। तो आप ये देखिए कि कोई भी लेड एसिड बैटरी है उसका जो एवरेज जो जो बैकअप ड्रॉप है वो 20-23% हर साल होना ही होना है, 20-23% ड्रॉप होना है। तो ये जो आपकी बैटरी है आप अगर इसको 1-2 साल और चला लो, जब उसका बैकअप आधा घंटा रह जाएगा तब मैं उसका वापस बैकअप आपको 4 घंटे लाके दूंगा या 5 घंटे लाके। अच्छा, लेकिन फिर वही बात तो यही होगी ना, आप तो केवल 1 साल की गारंटी दे रहे हो और आप पैसे ले रहे हो करीब 2,500 रुपए। सर अगर मैं जो 2,500 रुपए ले रहा हूँ वो 15,000 की बैटरी के ले रहा हूँ ना, अगर 7,000 की बैटरी है तो उसका तो मैं 1,200 रुपए ले रहा हूँ, 20% ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ न्यू बैटरी। अब आप ये बात समझिए जरा, ये जो कॉस्ट है जो मैं ले रहा हूँ वो मेरी कॉस्ट नहीं है, वो आपकी कॉस्ट, सॉरी वो आपका प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। उसमें आपकी जो कॉस्ट है, जो रिपेयर करने की, रिज्यूमिनेट करने की कॉस्ट है, वो सिर्फ 5% है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 की वो बैटरी है तो आपने जो वो बैटरी रिवाइव करोगे तो आपकी कॉस्ट 500 रुपये है, आप अगले कस्टमर से 2,000 रुपया ले रहे हो। तो हाँ, मतलब दो साल से ज्यादा नहीं चलेगी, मतलब जो हम उसको 2,500 रुपए ले रहे हैं अगर 150 का, तो मतलब ये 2 साल से ज्यादा नहीं चलेगी? नहीं ऐसा नहीं है सर, मैंने आपको बताया था कि बैटरीज जो है वो नंबर ऑफ इयर्स के हिसाब से बनाई नहीं जाती, वो नंबर ऑफ साइकिल्स के हिसाब से बनाई जाते हैं। अब आज आपकी बैटरी जो चली है 6 साल या 5 साल, उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं ना, आपके एरिया में चार्ज डिस्चार्ज बैटरी ठीक कर रही हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जहाँ लाइट जाती ही नहीं है वो बैटरी जल्दी हो जाती है। अगर बैटरी को 4 घंटे डिस्चार्ज नहीं मिलेगा और वो चार्जिंग पे ही चलती रहेगी तो वो तो सल्फेटेशन 2 साल में ही हो जाएगा। अब आप जहाँ रहते हैं हो सकता है वहाँ लाइट की समस्या ज्यादा ना हो, बहुत सारे कारण। अच्छा, ये आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं उत्तम नगर से बात कर रहा हूँ। तो आप दिल्ली से बात कर रहे हैं ना, तो आपने अपना मतलब जो मैं बोलना चाहता था आपने खुद ही जवाब दे दिया, दिल्ली में टाटा पावर है, दिल्ली में लाइट जाती है? नहीं जाती नहीं खास। तो फिर आपने खुद ही जवाब दे दिया ना, बैटरी डिस्चार्ज हो ही नहीं रही है सर आपकी। अच्छा, दूसरा ये आपकी बैटरीज जो हैं, एक तो इन्वर्टर की बैटरीज हो गई, और कौन कौन सी हैं बैटरीज, मतलब ऑटो इंडस्ट्री में भी लगती है ये? देखिए सर, इंडस्ट्रीज की बात करें तो पहले सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं। जितनी सोलर में बैटरी लगी है वो लेड एसिड है, इन्वर्टर में जो लगी है वो लेड एसिड बैटरी है, यूपीएस में जो लगी है लेड एसिड है, टेलीकॉम टावर जो बीटीएस टावर बोलते हैं उसमें जो लगी है वो लेड एसिड है, आपके टाटा पावर के जितने सब स्टेशन है बिजली के हर एक लोकैलिटी में सब स्टेशन है उसमें बैटरी लेड एसिड लगी है, एयरपोर्ट पे बैटरी लेड एसिड है, आपके जितने बैंक्स है, जितने बैंक्स है उसमें यूपीएस लगा है उसमें लेड एसिड बैटरी है। तो जितनी भी किस्म की बैटरियां बिकती हैं आज हिंदुस्तान में, जो कि 3 ही किस्म है, लिथियम आयन, लेड एसिड और निकल कैडमियम, उसमें सबसे बड़ा सेगमेंट ही है। तो ये ऑटोज में, मतलब ये कार्स में नहीं लगती? ऑटोमोबाइल में भी यही बैटरी लगती है जो आपकी गाड़ियों में लग रही है, जो ई रिक्शा में लग रही है, सब वही बैटरी है सर। अच्छा, ई रिक्शा में भी यही लगती है जी?
अच्छा, मैं तो रहता हूँ उत्तम नगर, तो मेरी मार्केट कहाँ पे होगी, मार्केटिंग मेरी कहाँ? आप एक काम करिए, सुनिए, आप ऑफलाइन करिए, देर आर सर्टेन मोर क्वेश्चंस आल्सो। गौरव जी का नंबर आप नोट कर लीजिए, इस नंबर पे बात कर लीजिए, कल विस्तार में बात करके सारी चीजें समझ लीजिएगा, ठीक है जी? कैन वी हैव द अदर क्वेश्चन प्लीज? ओके मिस्टर करण, प्लीज ड्रॉप योर कॉन्टेक्ट नंबर इन चैट बॉक्स सो वी कैन कॉन्टेक्ट यू आफ्टर दिस वेबिनार। हाँ करण जी, आप अपना वो बिल्कुल अपना नंबर डाल दीजिए उसमें, गौरव जी और हमारी टीम जो है आपसे बात करेगी अभी। ओके थैंक यू सर। मिस्टर रिदान आपका क्वेश्चन है। मिस्टर रिदान, कैन यू रेज इन चैट बॉक्स? यस मिस्टर रिदान, आस्क योर क्वेश्चन। मिस्टर रिदान, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन सर। रिदान जी मेरा साहब, जरा पूछे, सवाल पूछे। ओके, उनका क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में सर, उनका क्वेश्चन है जस्ट वांट टू नो द कॉन्सेप्ट अगेन। तो मिस्टर रिदान जी, काम करिए आप प्लीज अपना कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, आफ्टर दिस वेबिनार आपको दोबारा फोन पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा ब्रांड क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, फ्रेंचाइजी के बेनिफिट्स क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। थैंक यू मिस्टर, थैंक यू मिस्टर रिदान, थैंक यू। ओके इट्स अ 5E। यस सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ओके मिस्टर अनिल, मिस्टर अनिल प्लीज अपने तरफ से म्यूट करिए। मिस्टर अनिल प्लीज अपने तरफ से म्यूट करिए सर। हेलो, यस मिस्टर अनिल, जी सर आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? जी जी अनिल जी आ रही है, बताइए। हाँ सर, मैं बिहार पटना से बोल रहा हूँ जी। सर तो चूंकि मैं थोड़ा सा लेट से जुटा था तो आपका पूरा प्रोग्राम नहीं सुन सका पूरा जी, तो थोड़ा सा एक बार हमको रिवाइज कर दीजिए तो थोड़ा सा। अनिल जी मैं सजेस्ट करूंगा बिकॉज वी आर थ्रू विद द प्रेजेंटेशन, आप अपना ईमेल आईडी ड्रॉप बॉक्स में चैट बॉक्स में दे दीजिए, मैं आपको मेल पे सारी जानकारी भेज देता हूँ, और फिर ये जो नंबर लिखा हुआ है 9090 वाला इस पे आप हमें कर लीजिएगा, हम आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो सॉल्व कर देंगे। ओके ओके थैंक यू, थैंक यू मिस्टर अनिल जी, आप प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना नाम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर विद मेल आईडी जरूर ड्रॉप कर दीजिए। ओके ओके इट्स अ गैलेक्सी A30। गैलेक्सी A30 प्लीज अपने अपने तरफ सबमिट करिए सर। हेलो रोहित मुंडे, ओके जी रोहित जी, मिस्टर रोहित प्लीज अपने तरफ सबमिट करिए। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हेलो जी बोलिए। यस मिस्टर रोहित, सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसका रेवेन्यू मॉडल कैसा रहेगा? देखिए साहब, ये जो मशीन है इस पे 12 वोल्ट की 16 बैटरी आप एक टाइम पे लगा सकते हैं, और 2 वोल्ट के जो सेल्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया था वो 72 सेल्स एक बारी में लगा सकते हैं। सो जो 12 वोल्ट की बैटरी है इन्वर्टर की, वो 16 बैटरी को रिवाइव करने में करीब करीब 1.5 से 2 दिन लगते हैं। तो अगर हम पूरे महीने की बात करें तो करीब 300 बैटरी आप महीने में इस मशीन के द्वारा रिवाइव कर सकते हैं, और मिनिमम से मिनिमम देयर इज अ सेविंग और नेट प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज पर बैटरी। सो अगर आप 300 बैटरी सोर्स कर लेते हैं और रिवाइव करते हैं तो मिनिमम 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आपको
हर महीने हो सकता है। और सर लीड जनरेशन कैसा होगा सर न्यू बिजनेस का? सर देखिए मार्केटिंग सपोर्ट सेल्स सपोर्ट हम लोग भी करेंगे, बट आप जिस एरिया में फ्रेंचाइजी लेंगे वहां पे कुछ तो हमारी तरफ से जो डिजिटल मार्केटिंग होगी उसकी थ्रू लीड्स आ जाएंगी, बाकी आप हमारे को कुछ इंडस्ट्री के ईमेल एड्रेसेस या कॉन्टेक्ट डिटेल्स भेजिएगा तो हम कुछ उनसे बातचीत करके आपको लीड्स देंगे, प्लस आप अपने लेवल पे भी कुछ लीड्स जनरेट करेंगे चाहे वो एक इंडिविजुअल की इन्वर्टर की बैटरी हो या किसी इंडस्ट्री बैटरी हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में खोल रहे हैं और वहाँ क्या इंडस्ट्री है। ओके सर ये बेसिकली बैटरी रिज्यूवेनेशन से रिलेटेड है, मतलब जो मशीन से जो वर्क होगा बैटरी रिपेयरिंग या फिर लाइफ एक्सटेंशन इससे रिलेटेड है राइट सर? आपका क्वेश्चन मेरे को कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर ये जो है ना ये बिजनेस मेन जो है वो बैटरी रिपेयरिंग और लाइफ एक्सटेंशन के रिलेटेड है। जी जी रिपेयरिंग नहीं सिर्फ रिज्यूवेनेशन या रिवाइवल का। ओके ओके बिकॉज ये एक नॉन पोल्यूटिंग वे है बैटरी को रिजुविनेट करने का, हम लोग ना तो बैटरी को खोलते हैं ना तोड़ते हैं, इस मशीन से अटैच करके और ये केमिकल ऐड करके उसकी लाइफ बढ़ा देते हैं। ओके सर जो अभी एग्जिस्टिंग ई बाइक या फिर इलेक्ट्रिक कार है और आगे जाके वो जो होने वाला मतलब जो इलेक्ट्रिक होने वाला है कार वगैरह सब, तो उसमें सर बैटरी कुछ चेंज होने वाली है या फिर यही बैटरी आगे कंटिन्यू रहेगी, उसका भी कुछ अपन रिजुविनेशन का कर सकते हैं इस मशीन से या फिर उसके लिए कुछ अलग लेना पड़ेगा? जी 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 जो अभी ई व्हीकल्स इंडिया में आ रहे हैं वो सब लिथियम आयन पे आ रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है उस पर ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, हम लोग R&D कर रहे हैं लिथियम आयन को भी ठीक करने का, बट अभी तक वर्ल्ड वाइड कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो कि लिथियम आयन बैटरी की लाइफ बढ़ा दे। और एक चीज और मैं सबको बताना चाहूंगा कि जब हम लेड एसिड बैटरी की बात करते हैं तो हमारा दिमाग सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेगमेंट की तरफ जाता है, टोटल मार्केट जो लेड एसिड बैटरी मार्केट साइज है उसमें से सिर्फ 18% ऑटोमोबाइल है, बाकी 82% स्टेशनरी बैटरी है, चाहे वो UPS की हो चाहे वो टेलीकॉम टावर की हो चाहे वो इंडस्ट्री की हो चाहे वो पावर सेक्टर की हो, तो हमारा जो मेजर हमें जो कंसंट्रेट करना है वो स्टेशनरी बैटरी पे करना है, क्योंकि गाड़ी की जो बैटरी है जो अभी लेड एसिड लगी हुई है उसका काम सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करने का क्रैंकिंग का काम है, एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई तो डायनोमो में वो चार्ज होती रहती है, सो वो बैटरीज चाहे वो ई रिक्शा की है या गाड़ियों की है वो बैटरीज पे हमें कंसंट्रेट नहीं, हालांकि हम उनको भी रिजुविनेट कर सकते हैं बट हमारा मेन कंसंट्रेशन स्टेशनरी बैटरी पे हमें कंसंट्रेट ज्यादा करना है जो कि 82% मार्केट है। ओके सर थैंक यू। थैंक यू मिस्टर रोहित जी, थैंक्स अ लॉट। मिस्टर अजय, मिस्टर अजय प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। मिस्टर अजय यस मिस्टर अजय जी अजय यस मिस्टर अजय नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अजय जी यू कैन आस्क क्वेश्चन। अजय जी आपका कोई क्वेश्चन है सर? अजय गेट इनटू अनदर वन नाउ। ओके मिस्टर अजय यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स आल्सो, तो आपके भी आप पे फ्रेंच अप्लाई टीम आपका क्वेश्चन रेज करेंगे मिस्टर रोहित जी से। ओके डियर पार्टिसिपेंट वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट। मिस्टर संदीप बत्रा या संदीप जी ओके संदीप जी अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। संदीप जी हेलो जी संदीप जी हेलो हाँ हाँ जी रोहित जी गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग हेलो जी जी संदीप जी हाँ क्वेश्चन हाँ रोहित जी पहले भी या पहले भी मैंने अटेंड किया था आपका वेबिनार आज दोबारा कर रहा हूँ जी। मुझे एक दो क्वेश्चंस हैं आपकी जैसे मशीन जो आप दे रहे हैं एक तो बड़ी
थोड़ा मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इसका कोई और कंपटीटर नहीं है कल इससे, क्योंकि आपकी इसमें सिर्फ एक मोनोपोली है कि जो भी आपने कोर्स रखी हुई है? बिल्कुल कंपटीटर है जी इसमें, बिल्कुल है जी कंपटीटर। कंपटीटर कोई एक ब्राजील में है, कोई अमेरिकन है। ओके, इंडिया में कोई नहीं है? इंडिया में कोई कंपटीटर नहीं है, मगर उनके ऑपरेशंस हैं, उनकी जो मशीन का कॉस्ट है मेरे ख्याल 12 लाख रुपए से शुरू होता है। ओके, तो ये मेड इंडिया, मतलब आपने डेवलप करी है या आप भी कहीं इसको वो इंपोर्ट कर रहे हैं? हम पहले इंपोर्ट करते थे, उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन करके, टेक्नोलॉजी लेकर के इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। ओके जी, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कल कोई और कंपटीटर्स आ जाएं और लेस रेट में मशीन्स लगे, फिर जो बाय कर रहा है उसको लगे कि नहीं मैंने तो ज्यादा कॉस्ट दे दी थी इसकी? सर ऐसा काम करिए ना, बेस्ट तो ये है ना सर, बेस्ट तो ये है कि आप पहले पूरा हिंदुस्तान तलाश लें। अच्छा, आप इंटरनेशनल मार्केट ढूंढ लें, फिर आपको अगर लगेगा कि हमारा जो मशीन का कॉस्ट वो 50% है उनसे, फिर आप ले लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सेकंडली, जो इसका अगर मान ली कोई वारंटी है इस मशीन की, जैसे जैसे आपके इंजीनियर्स की आपने टीम दिखाई है? जी जी, वारंटी 3 साल की वारंटी है जी ऑन साइट। जनरली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे 1 साल की वारंटी आती है, बट हम लोग 3 साल की ऑन साइट वारंटी देते हैं। मतलब ये वारंटी में, मतलब क्या, जो पार्ट हमारा वारंटी मीन्स, तो वही हुआ ना कि पार्ट का पे हमें करना पड़ेगा, सर्विस फ्री होगी? सर ऑन साइट वारंटी का मतलब ये है कि अगर 3 साल में आपका कोई पार्ट भी खराब होगा तो मैं चेंज फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्ट भी चेंज करके देंगे? हाँ जी, इसीलिए हम कह रहे हैं 3 साल की, क्योंकि हमें पता है कि हमारी मशीन इतनी स्टडी है, कुछ नहीं होने वाला उसको 8-10 साल। ओके ओके जी, एक दूसरा 4-5 साल तो हो चुके हैं सर चलते हुए मशीन अभी तक। अच्छा, हो चुकी है। हाँ, आपने बताया 6 साल पुरानी कंपनी है। इससे अगर कोई किसी का मान लो 1% लेके चलते हैं, कोई बंदा नहीं करना चाहता है, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है, तो कोई उसकी बैक बाई भी है कि ठीक है जी हम आपका ले लेंगे, उसका इतना लॉस ना हो? नहीं सर, नहीं है सर। अच्छा जी, ठीक है सर, ये थे दो क्वेश्चन ना जी। थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, मिस्टर चंदन जी, मिस्टर चंदन भगत, मिस्टर चंदन प्लीज अपनी तरफ सबमिट करिए। मिस्टर चंदन, मिस्टर चंदन जी अपनी तरफ सबमिट करेंगे सर प्लीज। ओके, हेलो जी, हेलो जी, चंदन जी बोलिए। जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। सर मैं बिहार से, मैं झारखंड से हूँ, हमारा ये गोटा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जी। तो सर झारखंड में अभी आपके कोई फ्रेंचाइजी है? जी है, मेरे पास जमशेदपुर में फ्रेंचाइजी है, मेरे पास रांची में फ्रेंचाइजी है, और जस्ट टू लेट यू नो, टाटा का स्टील प्लांट है सबसे बड़ा मदर प्लांट, जमशेदपुर में। अच्छा, उनकी भी बैटरीज हम लोग करते हैं जी। तो सर मतलब आपके मेन मेन झारखंड में आपके 3 जगह पे हो चुके हैं? धनबाद में भी है। अच्छा, तो सर मैं झारखंड से, आपका सर हमारा ये ईस्टर्न कॉलफील्ड लिमिटेड पड़ता है। देखिए आप एक चीज समझिए, अगर हम झारखंड की बात करें और आप सिर्फ जमशेदपुर की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक मशीन है तो वहाँ और मशीन की गुंजाइश नहीं है। टाटा को ही काम करने के लिए कम से कम 10 मशीन चाहिए जी। तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। गोड्डा में नहीं है अभी मेरे पास, आप ले सकते हैं फ्रेंचाइजी अगर आपको चाहिए। जी सर मैं गोड़ा से ले सकता हूँ। मैं सर ये सोच रहा था कि मतलब मैं बेसिकली तो गोड़ा से हूँ, पर मैं काम करना चाह रहा था कि मतलब कि आपका रांची वगैरह या फिर धनबाद वगैरह, लेकिन आपने बता रहा है कि ऑलरेडी वहाँ पे है ही, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है वो। मैं फिर अपनी बात को आई एम रिइटरेटिंग माय सेल्फ दैट अगर आप रांची के लिए भी लेना चाह रहे हैं, तो जहाँ मेरा अभी एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी है उससे 12-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर में दे सकता हूँ। तो आपको डिसाइड करके बताना है कि रांची में आप कहाँ खोलना चाह रहे जी। और सर हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि सर जो आपने बताया था कि आपका ये मशीन पोर्टेबल है जी, तो सर ये क्या कोई मतलब कि जो हमारा वर्कर होंगे वो खुद से अपने हैंड में वो पोर्टेबल कर सकते हैं, कि काफी हैवी मशीन होती है सर ये? नहीं, जो मशीन का वेट है वो करीब करीब 18 से 20 किलो है, वो गाड़ी में रख के आप कहीं भी ले जा सकते हैं। अच्छा जी। और सर ये आपने जो बताया कि मैंने सुना हुआ था आपका ये रिकॉर्डेड वीडियो पे, उस दिन आपसे मैं मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाया था आपका वेबिनार को जी, तो
उसमें सर था कि आपने ये फ्रेंचाइजी सपोर्ट सर जो फ्रेंचाइजी होंगे तो उनको सपोर्ट सर आपकी तरफ से? हमारी तरफ से सपोर्ट है। अभी जो आज की प्रेजेंटेशन आपने अगर पूरी देखी होगी तो मैंने उसमें एक स्लाइड में बताया था कि कंपनी की तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिलेगी। तो आप अपना जब मेल ईमेल आईडी ये चैट बॉक्स में दे दीजिए, मैं एक ईमेल भेजूंगा, यू गो थ्रू दैट ईमेल, उसमें सब लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ लीजिए और फिर ये वो जो नंबर मेंशन था 9090905599 उस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते। अच्छा सर, हाँ आपका ईमेल तो सर आया हुआ था, हमने आपका वेबिनार अटेंड नहीं कर पाया था तो हमने इस नंबर पे कॉल किया था, तो हमें आपका मेल आया हुआ है जी। आज आपने पूरा वेबिनार अटेंड करा, शुरू से थे आप? नहीं सर, आज भी मैंने जस्ट अभी 10 मिनट पहले हमने अटेंड कर पाया आपको। चलिए कोई बात नहीं, आप वो जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे फोन कर लीजिएगा, तो मेरा कोई ना कोई कलीग आपको जो भी जानकारी चाहिए वो सब दे देगा। अच्छा, और सर ये मैं कह रहा था कि सर ये किस टाइप, ये किस मोड पे सर ये बिजनेस रन होगा? ये ऑटो मोड पे है कि वहाँ पे आपको फ्रेंचाइजी को अपना रहना पड़ेगा वहाँ पे, या फिर टोटली वो स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं? सर बिल्कुल स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको खुद भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और आपको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। आज कौन सा बिजनेस है जो स्टाफ के नाम पे चल सकता है? आप हल्दीराम का शोरूम खोल दो और शोरूम पे ना जाओ रेस्टोरेंट में, तो क्या स्टाफ आपको पैसा बचा के दे देगा? आपको देखना तो पड़ेगा ना बिजनेस। जी बिल्कुल सर, वो देखना तो पड़ेगा, सिर्फ मॉनिटरिंग करना होगा। मतलब ये ऑटो मोड पे चल सकता है ना कि कंटिन्यू, मतलब कि नहीं भी रहे तो कोई नहीं? महीना डेढ़ महीना तो देखिए, जब तक आपका बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं होता तब तक तो आपको देखना है, मॉनिटर करना है, और एक बार ही आपका रूटीन में बैटरी आना शुरू हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं। जी तो सर हमारे यहाँ पे एरिया में सर हमारे पास यहाँ पे कोल माइन है, बहुत बैटरी लगा होता है जी। जी तो सर इसके लिए सर आपके तरफ से क्या सपोर्ट रहेगी जो कि कंपनी की सारी कॉन्ट्रैक्ट हो? सर मैं सजेस्ट ये करूंगा, मैं आई वुड सजेस्ट कि दी डिस्कशन इज गोइंग वेरी लॉन्ग, आप अपना प्लीज नंबर एक बार छोड़ दीजिए तो गौरव जी आपको डायरेक्ट बात कर लेंगे, या आप गौरव जी को फोन करके उनसे पूरी डिटेल में लंबी डिस्कशन कर लेंगे। बाकी अगर किसी और का भी कोई सवाल है ओके मिस्टर अजय कि हम उसको एड्रेस करते हैं। अजय सोमवारा जी ने दोबारा मिस्टर अजय प्लीज अभी तक सबमिट करिए। यस मिस्टर अजय, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो हेलो बोलिए जी। अजय जी बोलिए। अच्छा नमस्कार। नमस्कार जी। सर हम फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। अजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अजय जी सर महाराज खान से जून से बात कर रहा हूँ जी। जी सर आप सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है सर, मतलब अमाउंट होगा सर जैसे 50,00,000 से ऊपर का, जो अमाउंट सर कैसे डिपॉजिट करना पड़ेगा फ्रेंचाइजी लेंगे तो उसके बाद में करना पड़ेगा पहले? सर 100% एडवांस पेमेंट होगी और उसके बाद यहाँ से एग्रीमेंट साइन होगा और फिर मशीन डिस्पैच होगी। तो सर सोलर प्लेट अपना सर ये कितने पर वाट पड़ेगा? क्या चीज? सोलर प्लेट का क्या? सोलर प्लेट का हमारा काम नहीं है, हम तो लेड एसिड बैटरीज का काम करते हैं सर। सोलर वाला चाहिए था। नहीं जी हमारा सोलर का, आपने शायद पूरा। अजय जी हमारा सोलर का काम नहीं है सर, हमारा बैटरी का बिजनेस है और आज का जो वेबिनार है वो सिर्फ बैटरी बिजनेस के ऊपर है। सोलर में जो बैटरी लगता है उसके बारे में बात हो सकती है मगर सोलर प्लेट के बारे में नहीं हो सकती। ओके सर। थैंक यू ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 10 मिनट लेफ्ट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर गौरव जी से, मिस्टर रोहित जी से बात कर सकते हैं, ब्रांड का फाइनेंशियल मॉडल दोबारा समझ सकते हैं या कुछ क्वेरीज है आपके मन में वो बात कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था हमारे पास, मतलब कि वो जानना चाह रहे थे कि लोन फैसिलिटी के अंदर क्या असिस्टेंस रहेगा एनर्जी एंड फायर ब्रांड का अगर वो लोन लेते हैं बैंक से। देखिए लोन लेते हैं तो हमारा ये जो रेजी एंड फायर का ये रिजुविनेशन का बिजनेस है ये मुद्रा लोन में अप्रूव्ड है,
सो उसके लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनको मुद्रा लोन को अप्लाई करने के लिए चाहिए होगी वो हम उनको प्रोवाइड कर देंगे. एज एन इंडिविजुअल दे कैन अप्लाई अंडर मुद्रा लोन टू एनी ऑफ देयर बैंक्स. थैंक यू सर. ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वारी है, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन ड्रॉप भी कर सकते हैं. चंदन जी से ऑलरेडी हो चुका क्वेश्चन आंसर हमारा, फिर भी ठीक है. चंदन जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. ओके चंदन जी, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. चंदन जी अनम्यूट करिए अपनी तरफ से. हेलो जी चंदन जी. चंदन सर मैं बोल रहा था कि सर बात करने के लिए वो 9090 जो नंबर है उसी पे कॉल करना होगा सर. जी तो सर हमारे यही क्वेश्चन था कि सर हमारा ये कोलफील्ड लिमिटेड पड़ता है तो यहाँ पे सर हमारी काफी कंपनी सब हैं तो सर उससे टाई अप करने के लिए, और आपने बताया कि आपका ऑलरेडी एयरटेल और काफी सारी कंपनी है जिससे टाई अप है. जी तो सर हमारे यहाँ पे जो कि एयरटेल के जो यहाँ पे जो भी टावर वगैरह हैं तो सर वो सबसे आपकी कंपनी से टाई अप, तो हमारे पास वो वर्क आ सकते हैं. नहीं, इसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ. कोई भी टावर कंपनी का काम टावर में जाके नहीं होता, उनके वेयर हाउसेस में होता है. एयरटेल के करीब 14 वेयर हाउसेज है. जिधर ये वेयर हाउसेज है अगर वहां आपकी फ्रेंचाइजी तो आपको काम मिल जाएगा. अगर वेयर हाउस अंबाला में है तो आपको धनबाद में तो नहीं मिल सकता ना काम. टावर पे जहाँ बैटरी लाइफ लगी होती है वहां रिजुविनेशन नहीं होता, वेयर हाउसेज में होता है. और सर ये जो कंपनी सब है सर हमारे यहाँ उससे टाई अप करने के लिए जी उनको जाना पड़ेगा, उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी, उनको ईमेल भेजनी पड़ेगी. जी तो सर उसके लिए आपके तरफ से फुल सपोर्ट रहेंगे. बिल्कुल रहेंगे जी. हम आपको क्या किस तरीके से ईमेल भेजना है, क्या लिखना है उसमें, वो सब आपको देंगे डॉक्यूमेंट बना के. हमारे जो प्रेजेंट कस्टमर्स की लिस्ट है, क्लाइंटेल की लिस्ट है, वो शेयर करेंगे उनके साथ और टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे. फिर वो मीटिंग प्लान होगी और उसके बाद आगे देखा जाएगा. जी तो सर आप उस मीटिंग में जाने के लिए अगर हमारी सपोर्ट चाहिए, कंपनी के सपोर्ट चाहिए, तो कंपनी का जो इंजीनियर है साथ जाएगा आपके. ओके सर. और वन थिंग सर, ये मैं ये कह रहा था कि आप ये हमारा जो फ्रेंचाइजी होगा यहाँ पे इसके ये फिर हमारा नेक्स्ट फ्रेंचाइजी यदि कोई अप्लाई करता है आपको, तो आप कितने किलोमीटर के रेंज पे आप उनको दूसरा देते हैं? सर वो डिपेंड करता है कि अगर शहर बड़ा है, जैसे पुणे की बात करें तो पुणे में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया चाकन इंडस्ट्रियल एरिया, उस इंडस्ट्रियल एरिया को मैंने 4 भाग में बांट दिया है. सो वो डिपेंड करेगा कि आप जिस एरिया में या जिस सिटी या जिस डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हैं उसमें कितना पोटेंशियल है, वो कंपनी डिसाइड करेगी कि दूसरा फ्रेंचाइजी कितनी दूरी पे देना है ताकि दोनों कमा सके. ऐसा नहीं है ना कि एक आज मैंने आपको बना दिया और 10 किलोमीटर बाद दूसरा बना दिया तो फिर वो झगड़ा रहता है, तो वो हम नहीं करते, वो हम डिसाइड करके ही देते. जी और सर जैसे कि हमारा सर ये आपका हमारा ज्यादा बैटरी आ रहा है और हमारा पे जो हमारे पास जो मशीन है वो जितने कैपेबल है करने के लिए उससे हमारे पास ज्यादा रिक्वायरमेंट पे आ रही है, तो सर हम उस पे सेकंड मशीन को फिर ऐड कर सकते हैं वहाँ पे आपकी तरफ से? बिल्कुल कर सकते हैं जी. अगर आपकी 300 की कैपेसिटी है महीने की, वो अटेन कर लेते हैं और रेगुलर 300 बैटरी आ रही है आपको, तो फिर आप दूसरी मशीन ले लीजिए. जी और सर मैं कह रहा था कि आपका जो सर ये बैटरी आती है जो कि आपका 22 टन या 25 टन की जो हवा वगैरह होती है, वो सबकी बैटरी सारी वो तो सर 12 वोल्ट से ज्यादा होते होंगे वो? सर वो जो बैटरी होती है वो 2 वोल्ट के सेल होते हैं, एक 2 वोल्ट का 48 वोल्ट का बैंक बनता है. जी तो वो बैटरी भी हो जाती है, चाहे वो 1000 AH की हो चाहे वो 2000 AH की हो, वो प्रॉब्लम नहीं. अच्छा ओके, वो सारी इसके अंडर में आ जाते हैं ना सर, इसके सारा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं. तो सर मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हूँ और सर मैं इसका क्या प्रोसेस है आप वो बता दें, और सर एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि हमें वो बैंक की तरफ से आप सपोर्ट करें. चंदन जी आपके पास की इन्वेस्टमेंट्स अभी क्या पोजीशन, आप ये बताएं जी. अपॉर्चुनिटी है या तो आप बैंक का लोन ले लीजिए या गौरव जी से डिस्कस करके अपने कोई बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने CGT MSME वाले स्कीम्स के अंदर हो सकता है तो आपको वहां पे हेल्प कर देते हैं. गौरव जी आप इनको लेकर के नंबर लेकर के एक बार गाइड कर दीजिए कि किस तरह से करना. जी आप अपना नंबर मुझे बता दीजिए एक बार, अगर आप यही बता दें तो मैं लास्ट नंबर टू गिव यू अ कॉल राइट अवे. जी सर 9631 जी 2598686 ठीक है जी. हमारी तरफ से अभी ये वेबिनार के बाद किसी का कॉल आ जाएगा. ओके सर थैंक यू.
ओके जी, थैंक यू चंदन जी, थैंक्स अ लॉट। मिस्टर हर्ष अग्रवाल जी, मिस्टर हर्ष प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए सर। ओके सर, हर्ष जी ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने लेट ज्वाइन किया, लेकिन वो इंटरेस्टेड है एनर्जी फायर की फ्रेंचाइज के लिए, वापस ज्वाइन कर रहे हैं। वन मिनट, ठीक है जी। ओके मिस्टर हर्ष अग्रवाल जी, प्लीज अपने तरफ से एडमिट करिए एंड नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मैंने सर बेसिकली ना आपका वेबिनार अभी 10-15 मिनट पहले ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा, तो मैंने अभी पूरी आपके चैट में मेरी डिटेल डाल दी, मैंने डाल दिया, मेरे मेल आईडी डाल दिया है। ठीक है हर्ष जी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर बोलिए। नंबर I think you're not audible. What I'll suggest is you can drop. आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए. Somebody from our team will get in touch with you. Mr. Harji, आपका आवाज आ रही है? आप वही से मतलब बीच आवाज. हाँ, please नंबर बता दीजिए Harji, आपके नंबर बता दीजिए please. 9980. Hello. हाँ जी, 9980. 280. 61000. 61. जी. 000. ठीक है हर्ष जी, somebody from my team will call you as soon as we are through with this webinar. So आप उनसे समझ लीजिएगा क्या business model है और क्या technology है। ठीक है सर, okay. Thank you. Thank you हर्ष जी, thanks a lot. Okay, dear participants, we have only 5 minutes left. अगर किसी का कोई question है, query है, okay, संदीप जी। हेलो जी संदीप जी, प्लीज। गौरव जी, इसके अलावा भी कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोई फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह मिल बताए थे आपने, वो भी कंपनी बनाती है, वो भी मिलेगा फ्रेंचाइजी को आगे सेल वगैरह करने के लिए या कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप में? बिल्कुल मिलेगा जी, वो आपको जब हम कॉल करेंगे बता देंगे। हम लोग फायर 1-on-1 के नाम से फायर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, उसमें भी कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर आप ये दीवार पे पीछे देख रहे हो तो हम ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर भी बनाते हैं। यस सर, Yes, sir, yes, sir. वो जानकारी आपको मिल जाएगी when somebody will call you. आप भी अपना नंबर संदीप जी बता दीजिए। It is sir, मैंने डाल दिया चैट बॉक्स में 98160. 98160. 14725. ठीक है जी, I'll ensure that somebody will call you after this webinar. Thank you very much, sir. Thank you, संदीप जी. Dear participants, you can drop your question in chat box also. And request to you all, please drop your name, your contact number with mail ID in chat box so we can contact you after this webinar. We have only 3 minutes left. Dear participants, so it's good. Thank you so much. Okay. And I thank the franchise supply team and all the participants here who have taken out time for this webinar. Have a nice evening. Thank you so much. Thank you, Rohit ji. Thank you, Gaurav ji. Dear participants, आज हमने India's well-known and growing battery service franchise outlet brand Energy and Fire की business opportunity के बारे में Mr. Rohit ji से and Mr. Gaurav ji से जाना and we hope कि आपको ये session काफी पसंद आया होगा। अगर आपको Energy and Fire की franchise में interested हैं या फिर Energy and Fire team से फ्रेंचाइजी कॉमर्शियल समझना चाहते हैं तो प्लीज आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर इज 9090905599. आई रिपीट अगेन, इट्स 9090905599. इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस ब्रांड का फाइनेंशियल समझ सकते हैं और इस ब्रांड की फ्रेंचाइज में बात कर सकते हैं। एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर या यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार सेशन को अगेन देख सकते हैं। एंड रिक्वेस्टेड टू यू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर नेम, योर कॉन्टेक्ट नंबर विद मेल आईडी इन चैट बॉक्स सो वी कैन कॉन्टेक्ट यू। एंड इफ यू वॉन्ट टू नो आर नेक्स्ट अपकमिंग फ्रेंचाइज वेबिनार, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू फ्रेंचाइज अप्लाई टीम। आर कॉन्टेक्ट नंबर इज
8209930950. And a warm thanks to Mr. Rohit ji and Mr. Gaurav ji for addressing today's webinar session. Thanks a lot, sir. Thank you very much, Ashok ji. Thank you. Thank you, sir. And thanks to all participants for attending today's webinar session. Bye and take care. Thank you so much, everyone. Thank you. Have a nice evening. Bye-bye.